तो दोस्त, अगर आप लोग भी SBI का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर आपने SBI के क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर दिया है, अब क्रेडिट कार्ड कोई भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपको लाइफ स्टाइल के लिए लेना है या फिर शॉपिंग के लिए लेना है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको रिवार्ड के लिए लेना है, तो काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं SBI के क्रेडिट कार्ड के, आप कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन होता है कि मैंने जिस क्रेडिट कार्ड के लिए, मान लीजिए मैंने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, तो क्या मुझे ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा SBI की तरफ से या फिर डिसअप्रूव कर दिया जाएगा? मतलब कि SBI का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, क्राइटेरिया कौन कौन से फुलफिल करना पड़ेगा, और साथ ही इसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके हिडन चार्जेज हैं, ठीक है ना? तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो जितने भी SBI कस्टमर्स हैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर और लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, SBI अपने कस्टमर्स को काफी सारे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अगर आपको लाइफ स्टाइल के लिए लेना है तो आप कोई भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, SBI कार्ड, ईलाइट, SBI कार्ड पल्स, ठीक है, डॉक्टर्स SBI कार्ड, या फिर अगर आपको रिवार्ड के लिए लेना है तो SBI कार्ड प्राइम ले सकते हैं, और अगर आपको शॉपिंग के लिए लेना है तो सिंपली सेव SBI कार्ड, सिंपली क्लिक SBI कार्ड, ये दोनों फेमस कार्ड है शॉपिंग के लिए, तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं, सभी कार्ड के अलग अलग फीचर से, मतलब लगभग फीचर्स तो सेम है, बेनिफिट तो लगभग सेम है, लेकिन चार्जेज अलग अलग हैं। वैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले, लगभग 5 दिन पहले, मुझे सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड SBI की तरफ से मिला है, तो उसकी रिगार्डिंग मैं आपको पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा और बेनिफिट्स बताऊंगा, साथ ही उसके क्या क्या चार्जेज हैं इसकी रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको SBI क्रेडिट कार्ड की रिगार्डिंग, इसके फीचर्स और साथ ही इसके चार्जेस के बारे में बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं SBI की तरफ से तो आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए, अगर आप लोग SBI का जो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है उसको अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड लगभग दोनों सेम ही हैं, सिर्फ SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड शॉपिंग के नाम पर आपको मिलता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पर आपको सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड काम आता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड आपको वहां पर काम नहीं आएगा या फिर वहां पर आपको बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है ना? देखिए, यहां पर अगर आपको सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड SBI की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है या फिर आप अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है, तो यहां पर जो फीचर्स है, अगर आप फर्स्ट 60 डेज में, यानी कि जिस दिन आपको कार्ड प्रोवाइड किया गया, आपके घर तक पार्सल किया गया, उस दिन से लेकर के अंतिम लास्ट 60 डेज तक, यानी कि फर्स्ट 60 डेज तक, इन 60 दिनों के अंदर 2000 रुपये का यूज कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वहां पर आपको 2000 बोनस रिवार्ड पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है? मतलब कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू फर्स्ट 60 डेज के दौरान 2000 रुपये खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 2000 रिवार्ड पॉइंट दिए जाएंगे। अब यहां पर सवाल उठता है कि भाई 2000 रिवार्ड पॉइंट लेने से फायदा क्या होगा, ये 2000 रिवार्ड पॉइंट क्या होता है? तो दोस्त, यहां पर मैं आपको बता दूं, SBI का कहना है कि एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 पैसे होते हैं, ठीक है? तो वहां पर आपको 2000 रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपको कितने पैसे बोनस के तौर पर मिलेंगे। 500 रुपये आपको बोनस के तौर पर मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये आपको एक अलग से बोनस मिल जाएगा अगर आप 60 डेज के दौरान, 60 डेज के अंदर अंदर इतना खर्च करते हैं तो, और ये छोटी सी बात है, 2000 आप खर्च कर सकते हैं, तो ये एक फायदा है। उसके बाद यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखिए, अगर आप 150, जैसे कि इंजॉय 10 रिवार्ड पॉइंट्स पर RX 150 स्पेंड ऑन डाइनिंग मूवीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड ग्रोसरी स्पेंड्स, तो भाई अगर आप मूवी देखने में या फिर कहीं पर भी होटल बुक करने में या फिर कहीं पर डाइनिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और वहाँ पर आपका ज़्यादा खर्चा है तो आप इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर आप अगर 150 रुपये खर्च करते हैं तो हर 150 पर आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। तो भाई अगर आप डाइनिंग में या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में ग्रोसरी स्पेंड ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा इस कार्ड को लेकर के, ठीक है ना? उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, ऑन ऑल योर अदर स्पेंड्स अर्न 1 रिवार्ड पॉइंट पर RS 150 स्पेंड, यानी कि अगर आप 150 रुपये और भी जगहों पर खर्च करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको हर 150 रुपये पर 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है, 4 रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू RS 1, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 4 रिवार्ड पॉइंट को मैंशन कर रखा है, 1 रुपया होता है, ठीक है?
तो इस तरीके से रिवार्ड पॉइंट भी आप पा सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि फ्यूल वगैरह अगर आप अपने गाड़ी में भरवाते हैं, डलवाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। गेट फ्रीडम फ्रॉम पेइंग द 1% फ्यूल सरचार्ज एट एनी पेट्रोल पंप। ठीक है, किसी ही पेट्रोल पंप पर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रांजेक्ट एन अमाउंट बिटवीन RS 500 टू RS 3000 एट एनी पेट्रोल पंप इन इंडिया टू अवेल दिस ऑफर। ओके, यू गेट मैक्सिमम सरचार्ज एवर ऑफ अप टू RS 100 पर स्टेटमेंट साइकिल ऑन योर सिंपली SBI। तो दोस्त, अगर आप लोग इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप पर 500 से लेकर के 3000 तक फ्यूल में खर्च करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज देखने को मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और यहाँ पर मैं उसकी रिगार्डिंग जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपली सेफ क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन सिंपली क्लिक भी आप ले सकते हैं, तो उसमें भी सेम ही फीचर्स है, बेनिफिट्स है। ओके, उसके बाद सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो आपको चार्ज लगते हैं ना, वो चार्ज भी आपको फ्री कर दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि अगर आप सिंपली क्लिक या फिर सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ज्वाइनिंग फी 499 रुपीज और एनुअल फी 499 रुपीज पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर SBI का कहना यह है कि अगर आप 1 साल के दौरान आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1 लाख रुपया स्पेंड कर देते हैं, यानी कि खर्च कर देते हैं 1 साल के अंदर, तो आपका जो 499 रुपीज है, 499 जो रुपये हैं, वो फ्री कर दिए जाएंगे, आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको हर एक साल 1 लाख रुपये इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च करने हैं। चाहे आप जैसे भी कीजिए, कहीं पर भी कीजिए, इसका कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप खर्च कीजिए। ठीक है, तो इनका कहना SBI का यही। और भी इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप और भी जगहों पर, जैसे कि मान लो एवरी 1 रिवार्ड पॉइंट ऑन एवरी RS 150 डेट यू स्पेंड यूजिंग द सिंपली सेव SBI कार्ड। और सेकेंड जो पॉइंट है ना, आप अपने रिवार्ड पॉइंट को रिडीम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपने रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं, तो उसके लिए आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे। ये एक डिसअपॉइंट कर देता है यहाँ पर, लेकिन अच्छी बात है कि आप अपने या पॉइंट को, रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर पाएंगे, या फिर आप जो आपका जो बिल बनेगा उसमें आप उस बैलेंस को, उस रिवार्ड पॉइंट को पे कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया है, क्लिक हेयर टू ब्राउज थ्रू आवर रिवार्ड्स कैटलॉग टू चूज योर गिफ्ट। आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, वेलकम ऑफर भी यहाँ पर है, गेट RS 100 कैश बैक ऑन योर फर्स्ट ATM कैश विड्रॉल इफ डन विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग योर कार्ड। मतलब कि अगर आपको कार्ड पार्सल किया जाता है, तो कार्ड पार्सल होने के 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, अगर आप ATM मशीन से पैसे विड्रॉ करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको 100 रुपये कैश बैक भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कभी भी ATM से पैसे मत निकालना। ठीक है, हाँ, वैसा कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर आपको इधर उधर कहीं पैसे नज़र ना आए और आप कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हो जहां पर आपको सख्त ज़रूरत है, इमरजेंसी है रुपयों की, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के वक्त ही करना। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप ATM से पैसे निकालते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो वहां पर आपको काफ़ी अच्छे खासे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास ATM है, आपके बैंक में पैसे हैं, तो ATM कार्ड से निकालिए, ना कि क्रेडिट कार्ड से। ओके, उसके बाद सबसे बड़ी बात, अब जो कार्ड आपको मिलते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट फीचर का ऑप्शन रहता है, यानी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट एडवांटेज का फीचर रहता है। कैसे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड को या फिर डेबिट कार्ड को ले जाते होंगे किसी भी शॉप पर, तो आपको वहां पर स्वाइप अप करना होता होगा अपने कार्ड को, तब जाकर के आपको पिन देना पड़ता होगा उस मशीन में, और तब आप पैसे पे कर पाते होंगे। लेकिन कॉन्टैक्ट लेस फीचर क्या करता है, ये कॉन्टैक्ट लेस फीचर आप अपने कार्ड को उस मशीन पर, जो स्वाइप अप करने वाला मशीन होता है शॉप पर, वहां पर सिर्फ टैप कीजिए, यानी कि टच कीजिए मशीन में, और आपका पैसा विदाउट पिन डाले डेबिट हो जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड से। तो ये काफी अच्छा फीचर है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और भी काफी सारे इसके फीचर्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, एड ऑन कार्ड्स। एड ऑन कार्ड्स भी काफी अच्छा फीचर्स है, विद सिंपली सेव SBI कार्ड यू कैन इम्पावर योर फैमिली विद एड ऑन कार्ड फॉर योर पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रेन और सिबलिंग्स एबव द एज ऑफ 18। यानी कि आपके परिवार में जिनका एज 18 प्लस हो चुका है, तो उनके लिए भी आप अपने क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर उनका क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड तभी उनको दिलवा पाएंगे जब आपकी क्रेडिट लिमिट सही रहेगी, क्रेडिट स्कोर सही रहेगा तभी। ठीक है ना, तो आप एक बार पहले क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसको यूज कीजिए, उसके बाद आप अपने परिवार वालों को भी दे सकते हैं। उसके बाद ये तो रहा बेनिफिट फीचर्स रहा, लेकिन अब बात करते हैं इसके फीस और चार्जेस के बारे में। तो दोस्त, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ कि अगर आप
एसबीआई का कोई भी कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग फी देना होगा, उसके बाद आपको एनुअल फी देना भी पड़ेगा। सभी कार्ड के अलग अलग एनुअल फी होते हैं, जैसे कि सिंपली सेव सिंपली क्लिक का 499 रुपीज़ एनुअल फी होता है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा हर साल उसके बाद। लेकिन अगर आप, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 1 लाख तक हर एक साल ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, खर्च कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपको एनुअल फी नहीं लगेगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आपको ये पे करना पड़ेगा 499 रुपये। और साथ ही अगर आप एटीएम कार्ड के थ्रू, एटीएम मशीन पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे निकालते हैं, तो वहां पर आपको अच्छे खासे चार्ज देने पड़ेंगे, मतलब कि आपको अलग से इंटरेस्ट अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आप सोच समझ करके निकालें। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये चार्ज है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी भी प्रकार के का खर्चा करते हैं, यानी कि पैसे निकालते हैं, कहीं पर यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको हर एक महीने के एंड में या फिर कोई भी एक डेट सेलेक्ट हुआ रहता है, आपको जब कार्ड रिसीव किया जाएगा तो वहीं पर आपको डेट लिखा हुआ रहेगा कि इस डेट को आपका बिल बनेगा और इसी डेट को आपको बिल पे करना है। तो अगर आप खर्च करते हैं तो उस डेट तक में आपको बिल पे करना होता है। जैसे कि मुझे जो मिला है हर एक महीने के 15 तारीख को, ठीक है, तो 15 तारीख तक मुझे बिल पे करना है। लेकिन अगर हम बिल पे 15 तारीख तक नहीं करते हैं, उससे आगे जितना भी लेट करते हैं उतना दिन का मुझे अलग से लेट फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। ये हिडन चार्ज हुआ, आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्त अब बात करते हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं एसबीआई से तो कैसे हम ले सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वैसे तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में अच्छे खासे पैसे मेंटेन करके रखते हैं, हर महीने आप ट्रांजैक्शन अच्छे खासे करते हैं, तो आपको अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बैंक खुद कॉल करेगा कि आप एसबीआई कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आप अगर लेना चाहते हैं तो आकर के ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पैसे मेंटेन करके नहीं रखते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको 3 मेजर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जैसे कि आपका आईडी प्रूफ देना होता है और आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है, और सबसे जो बड़ा डॉक्यूमेंट है वो है इनकम प्रूफ। आपको इनकम प्रूफ भी देना होता है अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आपको इनकम प्रूफ देना होगा। और भी कुछ डॉक्यूमेंट आपसे बैंक मांग सकती है, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट आपको अवश्य देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप अप्रूव होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन अप्लाई आप कर पाएंगे। और अगर बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो भाई अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही है, यानी कि आप अच्छे खासे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं हर महीने अपने अकाउंट से, तो आप योनो एसबीआई हेल्प की मदद से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है योनो एसबीआई से क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से, तो आपको अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। वहां पर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर देना होता है, उसके बाद आपका सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन आप अगर एलिजिबल होंगे तभी आपको कार्ड मिलेगा, अदरवाइज वो डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और यही सारे फीचर्स हैं, यही सारे बेनिफिट्स हैं क्रेडिट कार्ड के। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। तो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लस नॉलेजेबल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।